नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल गंगवार और आप मेरे साथ देख रहे हैं फटा पोस्टर निकला हीरो। आज फटा पोस्टर निकला हीरो में मैं बात करूंगा आपसे अजय देवगन की मुख्य भूमिका में रची बसी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। हमारे देश में ऐतिहासिक विषयों पर फिल्म बनाना बहुत ही जोखिम का काम है। कब कहाँ किसको क्या बुरा लग जाए ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इतिहास को हमारे यहाँ हर बार एक अलग ही दृष्टिकोण से देखा गया है। तानाजी को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने। एक ऐतिहासिक विषय को जिस रोचक तरीके से उन्होंने पेश किया है और कहीं उन्होंने विषय से अपने आप को भटकने नहीं दिया, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। तानाजी द अनसंग वॉरियर कहानी है शिवाजी महाराज और उनके बचपन के दोस्त तानाजी के बारे में। शिवाजी महाराज के कहने पर तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारियां छोड़कर कोंढाणा फोर्ट पर कब्जा करने के लिए, जो कि पुणे के पास था, उस पर कब्जा करने के लिए पहुंचे थे। वहां उनकी लड़ाई किले के जो अधिकारी थे, किले का जो इंचार्ज था, उसके साथ उदयभान के साथ हुई और उस लड़ाई में वे वीरता से लड़े। किले पर तो उन्होंने विजय प्राप्त की, लेकिन तानाजी की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन शेर चला गया। ऐतिहासिक विषयों पर फिल्म बनाना, मैंने जैसा पहले भी कहा कि बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन निर्देशक ओम राउत ने बहुत ही खूबसूरती से इस युद्ध को दिखाया है। यह युद्ध न केवल मराठों के लिए बल्कि इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। तानाजी की भूमिका को अजय देवगन ने बहुत ही कुशलता से निभाया है। अजय देवगन कहीं से भी फिल्म में अजय देवगन नहीं लगे हैं, तानाजी को उन्होंने सजीव कर दिया है। तानाजी की भूमिका में अजय देवगन ने जान डाल दी है। उनकी पत्नी की भूमिका में काजोल भी बहुत ही खूबसूरत और प्रभावी लगी हैं। सैफ अली खान उदयभान की भूमिका में लोगों को चमत्कृत करते हैं। ये जोड़ी ओमकारा के बाद एक बार फिर से पर्दे पर अपना जादू बिखेरने में कामयाब रही है। फिल्म 2D और 3D में बनी है। 3D में तानाजी द अनसंग वॉरियर का प्रभाव 3 गुना हो जाता है। थर्ड डायमेंशन उसमें एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न करती है। तानाजी द अनसंग वॉरियर को गढ़ने में ओम राउत ने बहुत ही कुशलता का परिचय दिया है। हालांकि 3 फिल्म पुराने ओम राउत ऐतिहासिक विषय पर काम करते हुए कहीं भी ऐसा नहीं लगता इस फिल्म को देखकर कि वो महज 3 फिल्म पुराने डायरेक्टर हैं और उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि तानाजी द अनसंग वॉरियर भारत के गौरवशाली इतिहास को दिखाती हुई दर्शाती हुई एक फिल्म है, जिसे देखना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, जिससे उसे अपने गौरवशाली अतीत के बारे में जानकारी मिलती रहे। फटा पोस्टर निकला हीरो की ओर से तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिलते हैं 5 समोसे।